हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम, सो मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने। यहाँ पर मैंने कुछ पोटैटो लिए हैं जिन्हें मैं पील ऑफ कर रही हूँ। सो आज ब्रेकफास्ट में देखिएगा कितना यम्मी यम्मी डिश बनाने वाली हूँ मैं, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। बस किचन में मैंने एंट्री ले ली है, सुबह का टाइम है जैसे मैंने आपको बताया है। तो बस अब यहाँ पर मैंने लिए चार पोटैटो, उन सबको मैं कर लूँगी ग्रेट बहुत अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैं बना ग्रेट करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि मैं बनाने जा रही हूँ बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से कटलेट, जो बहुत अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पर सारे पोटैटो मैंने ग्रेट कर लिए थे। अब इसमें मैं वन बाय वन जो भी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये मैंने लिया है पोहा, ये मैंने एक कटोरा पोहा लिया था, इसको धो के और इसको ड्राई करके रख दिया था। अब मैं इसमें आलू में इसको ऐड कर रही हूँ। पोहा यहाँ पे मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि पोहे की बैंडिंग भी अच्छी हो जाती है और बड़ा ही क्रिस्पी हो जाता है पोहा से कटलेट। सो यहाँ पर मैं अब अनियन ऐड कर रही हूँ, चॉप अनियन, और ये मैंने लिया है एक शिमला मिर्च। सो यहाँ पे मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। ये ग्रीन चिली है, मैं इसको नहीं ऐड करूँगी क्योंकि बड़ी स्पाइसी हो रही है आजकल की ग्रीन चिली, बच्चों के मुँह में अगर एक भी आ गई तो फिर आफत है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये जो मैंने लिया है, ये मैंने ऐड कर दिया है लहसुन का पेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है कटलेट में, इससे क्या होता है इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप लहसुन तो ज़रूर ऐड कीजिएगा उसका पेस्ट मीन्स। सो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया। अब उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, और इसमें अगर आपके पास कोरिएंडर लीव हो, मतलब हरा धनिया हो, तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, मेरे पास नहीं था मैंने स्किप कर दिया। अभी मैंने लिया है सॉल्ट, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ऐड कीजिएगा। सो यहाँ पर मैंने लिया है अब रेड चिली, लाल मिर्च, ये मैंने लिया है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला। सो ये चाट मसाला है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा, इसके बदले आप जीरे रोस्टेड जीरे का पाउडर यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पर आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है, तो ये मैंने ऐड किया था कॉर्नफ्लावर, बट उसकी क्लिप मुझे एडिटिंग के टाइम पे मिली नहीं, तो आप इसमें चार चम्मच कॉर्नफ्लावर ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर नहीं है तो आप राइस फ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया ये है सूजी, इससे मैं कोटिंग दूँगी, बहुत अच्छा लगेगा और क्रिस्पी बनेगा। और ये है ऑयल, ऑयल को मैं अपने हैंड्स पर अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अब इसको शेप दूंगी कटलेट को। कटलेट की शेप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसको राउंड बिल्कुल मत करें, अगर आप राउंड कर देंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आपको फील आएगा नहीं कि आप कटलेट मतलब एंजॉय कर रहे हैं, आपको लगेगा कि आप कोई टिक्की एंजॉय कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं इसको पहले सोचा था कि सिलेंडर शेप दूँ, फिर सिलेंडर शेप नहीं, मैंने इसको ओवल शेप दिया है। अब ये कटलेट बना रही हो तो थोड़ा शेप भी अच्छा ही होना चाहिए, सो ओवल शेप ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, मैंने ओवल शेप दिया है, बाकी आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दे दीजिएगा। अब इसको मैंने कटलेट को सूजी में ऐड कर दिया है, अच्छी सी कोटिंग दे दी है सूजी की। गाइस बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है सूजी से और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत टेस्टी लगती है। अब मैं इसी तरह से दूसरा वाला बनाऊँगी, अच्छे से शेप दे दूंगी, ओवल शेप दूंगी इसको भी मैं। सो ट्राई कीजिएगा आप अपने घर पे ज़रूर। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो कटलेट है ये बिल्कुल भी वेजेस नहीं इसमें पड़ती हैं, बट मैंने इसको थोड़ा वेजेस बनाया है क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मली कोई वेजेस नहीं डालती तो मुझे फिर बिल्कुल ऐसा लगता कि मैं आलू की टिक्की खा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने फिर थोड़ा वेजेस कर दिया है। आपके पास कैरेट हो तो आप कैरेट भी इस पर ऐड कर सकते हैं, अच्छी लगती है, वेजेस हो जाती है तो थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है, और इसी बहाने बच्चों को भी कुछ वेजेस खाने को हो जाता है, वरना बच्चे जल्दी कहाँ वेजेस खाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं दूसरी प्रकार की कटलेट बनाने जा रही हूँ, ये मैं ब्रेड से बना रही हूँ, और ब्रेड की मैंने अभी सारी कॉर्नर जो कट करके रख ली थी, अब मेरे पास मटेरियल तो वही है बट मैं जो बना रही हूँ वो दूसरे तरीके से बना रही हूँ, तरीका दूसरा है बाकी मटेरियल वही है। अभी मैंने पानी में ब्रेड को सोक कर दिया, मतलब
अब भिगो दिया। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, पानी को अच्छे से मतलब इसका ड्राई कर दूँगी, ब्रेड को पूरी तरह से ड्राई करके हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ध्यान रखिएगा एक ही बार डीप करिएगा पानी में, अदरवाइज़ आपकी ब्रेड से टूट जाएगी। तो फिर ये क्या है, अब बस फिर से पोटैटो लिया, जो भी इसका मटेरियल था उसको अच्छे से शेप दे दिया। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, सिलेंडर शेप दे सकते हैं, राउंड शेप दे सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने राउंड शेप नहीं दिया था। तो बस फटाफट इसी तरह से मैंने अपने सारे कटलेट तैयार कर लिए हैं। अब इसको मुझे डीप फ्राई करना है। ये देखिए, ये सूजी वाला है जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सूजी वाला है, बहुत टेस्टी बना था, इतना टेस्टी और टम्मी भी फुल हो गई थी। और ये है ब्रेड वाला, दोनों बहुत टेस्टी बने थे। और ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बाहर का कुछ खिलाने से बेटर है कि घर का बना हुआ हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, फिर मेन बात अपने आंखों के सामने अपने हाथों से बना होता है तो अच्छा। और यहाँ पर मैंने जो ऑयल है बहुत गर्म कर लिया था, और क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करें। और लेकिन जब आप अपना मैंने कटलेट इसमें डाला तो क्या किया, जो फ्लेम था गैस का उसको बहुत धीरे कर दिया। पहले बहुत तेज कर लीजिए ऑयल को गर्म, बहुत तेज गर्म कीजिए, उसके बाद जब आप अपना कटलेट डालेंगे तो उसको क्या करना है, आपको फ्लेम को धीरे कर देना है, इससे बहुत अच्छे से फ्राई होता है। और अब देखिए ये, अब मुझे इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है, तो वही मैं कर रही हूँ, इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर रही हूँ। सो गाइस, इसको बस फ्लिप करते जाना है बार बार, क्योंकि अगर आप इसको फ्लिप नहीं करेंगे बार बार तो फिर क्या होगा कि वो एक तरह से ज़्यादा ही कुछ जल जाएगा, तो जलने नहीं देना है, बस गोल्डन फ्राई करना है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये बहुत अच्छा स्नैक्स होता है, मुझे तो बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ज़रूर पसंद आएगा। और यहाँ पर आप मतलब बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको ऐड कर सकते हैं, अच्छा स्नैक्स है ये। रेडी हो चुका है ब्रेकफास्ट, आलू कटलेट्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं, टेस्टी होते हैं, और गर्मा गर्म आप इसको सर्व कीजिए सेजवान चटनी के साथ, या टमाटो स्पाइसी सॉस के साथ, या टमाटो सॉस के साथ, या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं अपने आलू कटलेट्स। हमने यहाँ पे चाय के साथ और सेजवान चटनी और टमाटो केचप के साथ इसको बहुत एंजॉय किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल, यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विद सिंपल लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज डेट हो रही है 19 सितंबर, और डे है सैटरडे, यस। और अभी टाइम हो रहा है, अभी 1:30 बज रहे हैं, 1:30 हो रहा है, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हो चुका है मेरा व्लॉग। और अभी लंच नहीं किया हमने, अभी करेंगे थोड़ी देर से, क्योंकि आज जो हमने कटलेट बनाए थे, कटलेट लिया था तो वो थोड़े से हैवी थे, मतलब टमी है जो अभी थोड़ा फुल है, सो अभी इतनी भूख नहीं है। लेंगे लंच 10-15 मिनट बाद लेंगे। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होने लगा है, बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम हो गए हैं तो, लेकिन अब कुछ अभी तो कुछ कर भी नहीं सकते। मन तो होता है मेरा इधर उधर जाने का बहुत ज़्यादा, बट ये थोड़ा सा बोलते हैं कि अभी कहीं नहीं जाना है, बोलते हैं सब कुछ पहले के जैसे हो जाएगा तो अपना घूमना फिरना चलता रहेगा, बट फिर भी ये दिल नहीं मानता है ना, कहीं मन तो होता है जाने का घूमने का, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हैं। और अभी मुझे अपनी मम्मा के यहाँ भी जाना था, बट यही बहुत ये कोविड के चक्कर में ना, क्योंकि जो मेरी जो मुझसे जो बड़ी सिस्टर हैं वो भी अभी अभी वहीं पर हैं मम्मी के यहाँ पर, और जो मुझसे सबसे छोटी सिस्टर है हमारी वो भी मम्मा के यहाँ हैं, और मुझे बहुत बुला रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके बहुत बुला रहे हैं,
और पर क्या करें, मैं इनसे बोलती हूँ चलो कुछ नहीं होगा, सेफ मतलब को पूरा सेफ जोन में रखकर चलेंगे, तो ये बोलते हैं कि फिर भी बोलते हैं कि कितना भी मतलब वो करो, थोड़ा सा जो अपने डाउट रहता है कि दिल में कि पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, तो थोड़ा इसकी वजह से ये अभी अवॉइड कर रहे हैं। सो देखते हैं कब तक का क्या होता है, अभी कितने फेस्टिवल अभी जो गए हैं वो भी सब ऐसे सुने सुने से हो गए हैं सारे फेस्टिवल भी। अभी देखते हैं आने वाले फेस्टिवल में क्या रौनक होती है, कैसा होता है, क्योंकि अभी क्योंकि ये जो मेरा ड्रेस है ना ये बहुत ज्यादा हवे में ऐसे ऐसे हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो यही है कि अभी तो बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, पता नहीं सब कैसे होगा यार, कैसे होगा सब कुछ, कब ठीक होगा। बहुत घूमने का मन करता है, इतना ज्यादा घर पर पहले मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कभी नहीं रही हूँ, जितना पैक मैं अभी होकर बैठी हूँ घर पर, इतना पैक तो मैं कभी नहीं हुई हूँ। वीकली एक आउटिंग होती थी, हमेशा होती थी, और कोरोना ने ऐसी दुश्मनी निकाली है कि पता नहीं क्या है, क्या करे यार, बहुत बोरियत होने लगा है अब, कुछ ऐसा ही हो गया अभी तो। घर पर रहो, क्या करें। आप लोग का कैसे टाइम पास हो रहा है मुझे बताइए प्लीज। सो आप लोग के आइडियाज लेके मैं भी अपना टाइम पास थोड़ा और कर लूं, वैसे तो मन बहुत हो रहा है घर इधर उधर जाने का, तो काफी टाइम हो गया है, मैं अपनी मम्मा से भी नहीं मिली हूँ, काफी टाइम हो गए हैं, सिस्टर्स वगैरह से किसी से भी ना मिले वो काफी टाइम हो गए हैं। सो क्या करूं, क्या करें, अब ये कहीं लेके नहीं जाते, इनको बहुत ही ज्यादा डर लगता है। मैं तो फिर ऐसे ही बोलूंगी कि चलो 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 कहीं तो चलो, मास्क पहन लेंगे और सैनिटाइज ले लेंगे, सैनिटाइजर कर लेंगे अपने हैंड्स को, और कोई भी चीज टच नहीं किया करेंगे। तो ये बोलते ऐसे नहीं होता है, जब हम बाहर जाते हैं तो सारी चीजें मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं होती है, समटाइम हो जाती है पर कभी कभी नहीं हो पाता है। तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे साथ में, तो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता हमको। सो देखते हैं कब तक सब कुछ ठीक होगा, कहीं भी घूमने फिरने का मैं कितना प्रोग्राम बनाती हूँ, और जब मेरा प्रोग्राम मैं इनके साथ डिस्कस करती हूँ तो वो प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता है, तुरंत ही फ्लॉप हो जाता है। जहन में कैसे आया, क्यों तुमने सोचा कैसे, क्या करे यार। चलो मुझे कमेंट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अपना टाइम पास कैसे कर रहे हो घर पर, और क्या एक्टिविटी आप लोग करते हो जो आपका टाइम पास हो रहा है। सो जरूर बताइएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर पे, लंच टाइम पे मिलती हूँ। ओके मिलती हूँ गाइज, और अभी हो गया है काफी टाइम, तो अभी करते हैं लंच फटाफट से, और लंच मैंने अपना लगा लिया है, तो चलिए मैं आपको अपना लंच दिखाती हूँ। लंच में मैंने आज बहुत ज्यादा लंच मैंने आज बहुत सिंपल बनाया है, क्योंकि आज मुझे दाल बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों, कभी कभी मैं दाल खा के बहुत बोर हो जाती हूँ, तो दाल मैंने नहीं बनाई है। मैंने बनाई है आलू टमाटर बैंगन की मिक्स सब्जी, और बनाया मैंने राइस, और सैलेड है, और दही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना लंच। चलिए ये हमारा लंच, यम्मी यम्मी सा लंच, आज सब्जी मेरी बहुत अच्छी बनी है, और जितनी देखने में अच्छी लग रही है टेस्टी भी उतनी है। और ये राइस है, ये मेरा सब्जी है, ये कर्ड है, यहाँ सबकी कर्ड लगी हुई है, केशव की है, अरे लो केशव ने अपनी बिस्किट भी लिया है ये, और ये हमारी कर्ड है, और ये केशव की थाली है, ये सैलेड है, और बस फिर मिलती हूँ लंच के बाद। राइस लंच हमारा हो चुका है फिनिश, फटाफट हमने अपना लंच कर लिया, हम रही हूँ। सो लंच हमारा हो चुका है, और लंच बहुत ही फटाफट किया मैंने अपना, और क्योंकि मुझे आज इतनी ज्यादा भूख नहीं थी, फटाफट से मैंने अपना लंच फिनिश किया। और अभी टाइम कितना हो रहा है,
टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं। अब तो हमारा रेस्ट करने का टाइम है। सो अभी रेस्ट करना है और रेस्ट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, आपसे मुलाकात करती हूँ और करती हूँ ढेर सारी बातें। तो अभी तो फिलहाल करना है रेस्ट, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और अभी टाइम हो रहा है शाम का 6:00 बज रहा है। यस 6:00 बज रहे हैं। तो अब मैं आई हूँ किचन में चाय चढ़ाने के लिए, तो सोच रही हूँ चलिए चाय चढ़ाते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है टी टाइम। तो चलिए फिर फटाफट चाय चढ़ाते हैं और ब्लॉग का भी एंड करना है मुझे। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो जो भी अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आके पहुंचे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारे लाइक कर देना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा। अपना ध्यान रखना, सेफ रहना, मुस्कुराते रहना। बाय।